एसएफ सौम्य मृत्यु मामलें आसला चांचल्यकर अभियोग। सौम्य पोस्टमार्टम रिपोर्टे षड्र अभिराम महापात्र वकिल आणले अभियोग। एक्सपर्ट मारे मोहर कटक बड़ डाक्तरखाना बड़ चक्रांत कहा निर्देश डाक्तर देले रिपोर्ट। एसएफ सौम्य रंजन महापात्र मृत्यु रहस्य को चापी मालमाल षड्र सांघातिक अभियोग आणले सौम्य बापा अभिराम महापात्र वकिल पार्थ सारथी नायक। से अभियोग करिछंती पोड़ा जोड़ा केस्रे मनीषर चित्र कराजिबा कथा के अंश पड़ी ताहा दर्शाइबा कथा एहाद्वारा जड़ा पड़िबो निजे पोड़ी होइछंती ना पोड़ी दिया जाइछि। सौम्य पोस्टमार्टम रिपोर्टे नाही चित्र एक्सपर्ट भी एथिरे मोहर मारिछंते। वरिष्ठ भेषज विशेषज्ञ सुभाष साहू कहिछंते कन्स्पेरेसी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एटा कन्स्पेरेसी होती पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर्यंत जोटा कि मीडिया को आसी ना मुझे प्रथम थर पर कह पोस्टमार्टम जो होती कन्स्पेरेसी पोस्टमार्टम एसीबी जो डॉक्टर पोस्टमार्टम कर लिखुं 95% बर्निंग इंजुरी साधारणत जो बर्निंग केस्रे पोस्टमार्टम हुए गोटे मनीषर चित्र कराए कौ कौ अंश तार पड़ी से मार्किंग कराए ये पर्सन गुड़ा पड़ी बोल कि सो दे जना पड़ो सेटा सेल्फ इनफ्लिक्टेड बर्निंग ना तादरे किए निया लगे निज देहरे निया निजे लगे ना तादरे आउ किए निया लगे एटा जानिया से चित्र कराए किंतु एठी ये जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करिचंती से चित्र करना नंबर वन। नंबर टू हूँ जो भिसरा प्रिजर्व रखा कथा भिसरा रखार उद्देश्य हूँ कौन ना कि विषक्रियार तादर अच्छी ना ताकि ये डॉक्टर जाणी जाणी भिसरा भी प्रिजर्व कर रखि ना ये गला एसीबी कन्स्पिरेसी पार्ट जदि आपड़ जी डाइंग डिक्लेरेशन को डाइंग डिक्लेरेशन जहाँ कथा से कहले सेटा पारिपार्श्विक अवस्था को मैच करूना तो ये डाइंग डिक्लेरेशन टा संपूर्ण भाव में मनगढ़ा कथा जेकोसी बर्न पेसेंट आम मान पाक जो डाक्तर पाख को जाए सेतेवळे बर्न रो परसेंटेज कैलकुलेशन करा जाए परसेंटेज केमिति कैलकुलेशन करिवे रूल ऑफ 9 जेमिति गोटे मु आपन को सिंपल भाषा रे कहिबी जे फ्रंट आ बैक हेड एंड नेक होच 9% बैक आउ फ्रंट हैंड एंड पूरा पाम सी टोटल होची 9% से कौन हम रूल ऑफ 9 जदि परसेंटेज कैलकुलेशन कलु तार फ्लुइड लॉस केते मानने कौन दरकार कि आम तार पोड़ी डीप बर्न कि सुपरफिशियल बर्न हो कैलकुलेशन करी आमे ट्रीटमेंट करू काहे कि रिपोर्ट रे दर्शा जाई नाही चित्र षड्यंत्र रे एसीपी डाक्टर भी शामिल की षड्यंत्र पछरे किए कहा निर्देश रे कहा सुरक्षा पाई ए जघन्य कांड गोटिए परे गोटिए षड्यंत्र। षड्यंत्र नंबर एक मृत्युकालीन जमानबंदी नहीं एसडीपीओ बयान सौम्य और विद्या भारती वैवाहिक संपर्क भल थिला दुर्घटना रे निया लागिगला एटा तो सी कहिथिला का तमे जो सौम्य ना निजे ना हां से निजे कहिथिला जो गड पुरणा बही पुडलाडु एक्सीडेंटल लागला बोली कि आ हमरो ये पीसफुल थिला कंजुगल लाइफ भी पीसफुल थिला ओ से कहि दैथिला जे दुर्घटना वशतः निया लागला विद्या भारती को चिट्ठी कहुची सेमारन को संपर्क रे तिक्तता थिला बही पढु पढु निया लागला कि भली। षड्यंत्र नंबर दुई मिछ पोड़ा दाग घटना दिन हॉस्पिटल रे विद्या भारती शरीर में कौनसी पोड़ा चिन्ह नथिला हेले परे तांको शरीर रे दाग आसला केउठु। षड्यंत्र नंबर तीन हॉस्पिटल रे डीएफओ सौम्य एडमिशन ठारु रेफर हेबा पर्यंत हॉस्पिटल रे उपस्थित थिले डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा मृत्युकालीन जमानबंदी लेखा हेबा समय रे सेठिक कौन करुथिले डीएफओ। षड्यंत्र नंबर चार आंबुलांस ओ ओआईसी ममता पंडा गुरांडी थाना ओआईसी ममता पंडा हॉस्पिटल रे करुथिले कौन तंको थाना से अंचल रे आसुनथिबा बळे काहेकि गुरुतर सौम्य को नै जाउथिबा आंबुलांस को अटकाइले ममता पंडा।
ষড়যন্ত্র নম্বর পাঁচ জঙ্গল মন্ত্রী ও ডিএফঙ্ক সম্পর্ক সৌম্যঙ্ক পরিবারর দাবি সত্ত্বে কাহিঁকি বদলি করাগলা নাহিঁ ডিএফঙ্ক জঙ্গল মন্ত্রীঙ্ক ভূমিকা সন্দেহ ঘেরে নিশ্চিত ভন্ডকুড়া ভাই মন্ত্রী এটার পুরা সম্পৃক্ত যদি মন্ত্রী আজি মাসাইলা তার নাম যার দেখি সম্পৃক্তি নাই সে নিজে দলর ইস্তফা দেখি নিজে দল সাহায্য করবে ডিএফ সাসপেন্ড করবি কোন পাই ডিএফ জাতীয় দল ট্রান্সফর করিদেলি তাকে ডিএফ কোন পাই সাসপেন্ড করবি তদন্তর আমাকে সাহায্য করবি কোন পাই বিক্রম আর সে সম্পৃক্ত আছে ଦିଗହରା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଘଟଣାକୁ ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ମିଳିବ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ